दिन हो चुका है और हम इस वक्त है सिर्फ नियरेस्ट 3-5 to 6 किलोमीटर नियर अबाउट दूधसागर, और ये वाटिका ट्रैक पे हम चल रहे हैं, यानी रेलवे पटरी पे। मैं आपको मेरे दोस्तों हंसते मुस्कुराती सुबह का इस्तकबाल कहता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी में हर सारी सुबह अच्छी हो आपकी और शामें भी खूबसूरत हो। तो ट्रैकिंग करते वक्त आपको जिन बातों को फॉलो करना है, मैं आपसे आज वो कहूँगा। 3 मिनट की ये बातें आप ध्यान में रखिए, बहुत अच्छी बातें हैं। किसी भी पहाड़ की ट्रैकिंग करो या फिर दूधसागर की करो, बुल्ढाना माउंटेन हो वहाँ पर वाटरफॉल्स है, महाबलेश्वर माउंटेन हो या फिर दूधसागर हो या फिर लिंगमपल्ली हो, व्हाटएवर, पहले तो आप बहुत कम लगेज लेकर चलिए, बहुत कम लिटिल लगेज। कहीं पर आए तो क्लॉक रूम में रख दीजिए घूमने फिरने, और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े नहाने के लिए या फिर टॉवेल रख लीजिए बस साथ में, और रेनकोट उसमें रख लीजिए और चलिए। और ज़रूरी चीज़ें खाने की, कम से कम ऐसी चीज़ जो सड़ती ना हो दिन भर, और उसमें बिस्लरी की बोतल। ये हो गई पहली बात। तो साकिब मेहदी प्रोडक्शन में पहली बात आपसे कह दिया मैंने कि आप जितने भी कम सामान ले सकते हैं बहुत अच्छा है वॉकिंग ट्रैक पे। और दूसरी बात आपसे जो कह रहा हूँ वो ये है कि ऐसी चीज़ें मत लेके चलो जो आपके लिए हैवी है। छतरी यहाँ पर नहीं चलती, इसीलिए छतरी अलाउड नहीं है ट्रैकिंग के रूल्स में आपको बहुत, इसीलिए विंड शीटर लो या इस जिस्म से जुड़ा हुआ कोई और लिबास, विंड शीटर पहन लो या फिर कोई गोनी होती है ना उसको विंड शीटर बना लो और वॉकिंग कर लो। अच्छा, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि इस ट्रैक पर कहीं कहीं पे तीन साइड में बड़े सीमेंट के तोदे पड़े हुए हैं, इधर इस तरफ में, ये देखिए यहाँ पर अभी नहीं है, आगे है, बहुत हद तक के है, तो ये आपको चलने में बहुत मदद करते हैं, तो इनका सहारा लीजिए क्योंकि इससे ईजी आप बहुत लंबा चल सकते हैं और बगैर किसी कंसंट्रेट के, जैसा आप विलेज में या गांव के रोड पर चलते हैं। तीन बातें हुई। चौथी बात, अर्ली इन द मॉर्निंग निकलिए, 4 बजे 5 बजे तो आप 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे और दिन आपका अच्छा गुजरेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह निकलेंगे तो उसमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, उसमें बहुत फ़ायदा है, फालतू के मसलों से हट जाओगे और आपको मज़ा आ जाएगा चलने का। तो अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए तो 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, और स्लोली चलिए, ऐसा नॉर्मली चलते हैं आप। तीन बातें हुई। चौथी बात ये कि जहां जा रहे हैं दूधसागर, वहां नहाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, तो नहाइए फ्रेश होके, अच्छा मज़ा लीजिए, जाइए तो नहाइए ज़रूर, असल मज़ा नहाने का ही है। जैसे बीच के पास गए आप लेकिन नहाए नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो नहाने का एंजॉय ज़रूर कीजिए। चौथी बात। पांचवी बात ये कि जब आप ट्रैकिंग करके वापस आए या जाए तो किसी को फ्रेटेंडेड उसका आंसर मत दीजिए कि ऐसा हुआ या जा नहीं सकते, बल्कि खुशी में कहिए और कहे कि 9 किलोमीटर नहीं है, 8 ही किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है कम से कम, ताकि जाने वाले आने वाले घूमने वालों को हौसला मिल सके। इफ़ यू अंडरस्टैंड, रिमेंबर अंडरस्टैंड, ये 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द ट्रैकिंग। अब आप ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखिए, फिर साउथ अफ्रीका के जंगल को घूम लीजिए, कहीं पर भी घूम लीजिए, जो मैंने आपसे कहा हो 5 चीज़ें, सिर्फ 5 चीज़ें मेन होती है ये, जितना कम सामान लेके चलेंगे उतना इजी पहुंचेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, साकिब शेफ फाउंडेशन यूट्यूब फेसबुक ट्विटर, साकिब शेफ फाउंडेशन SAQUIB SHAB फाउंडेशन।